दोस्तों चीन भले ही सीमा पर भारत को डराने धमकाने की दिखावे वाली कोशिश जरूर कर ले, लेकिन सच तो यही है कि चीन इस वक्त खुद डरा हुआ है और बहुत ज्यादा डरा हुआ है। वजह है काली। जी हाँ दोस्तों, ये काली कोई देवी देवता नहीं बल्कि भारत का एक विनाशक हथियार है। आज के समय में जो देश खुद को परमाणु शक्ति होने पर इतराते हैं, यकीन मानिए भारत के काली के सामने परमाणु बम भी कुछ भी नहीं है। काली की शक्ति का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि अंतरिक्ष तक में मार करने में सक्षम है। वैसे तो ये भारत का एक खुफिया मिशन है, लेकिन फिर भी आज हमने अपनी इस वीडियो के लिए काली को लेकर ऐसी ऐसी जानकारियां जुटाई हैं जिसको देखकर आप भी भारतीय होने पर गर्व करेंगे। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, लेकिन इससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ वाले बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको हमारी ऐसी ही बेहतरीन वीडियोस की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। तो चलिए अब वीडियो को शुरू करते हैं। भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर यानी बार्क और रक्षा अनुसंधान और विकास संस्था यानी DRDO दोनों ने मिलकर भारत के लिए सबसे शक्तिशाली काली हथियार का निर्माण किया है। ये एक बेहद सीक्रेट मिशन है जिसके बारे में ज्यादा जानकारियां बाहर नहीं आई हैं। दरअसल भारत का ये मिशन कितना खुफिया और अहम है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि पूर्व रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर से जब भारत के इस मिशन के बारे में संसद में पूछा गया तो उन्होंने राष्ट्रहित का हवाला देकर लोकसभा तक में इसके संबंध में कुछ भी जानकारी देने से साफ इनकार कर दिया। भारत का ये खुफिया हथियार इतना खतरनाक है कि पाकिस्तान और चीन के इससे पसीने छूट जाते हैं। भारत के इस मिशन को लेकर पाकिस्तान की घबराहट इस वाक्य से साबित होती है। दरअसल 5 अप्रैल 2012 में पाकिस्तान के कब्जे वाले सियाचिन के ग्लेशियर सेक्टर में भयानक बर्फानी तूफान आया था और वहां एक ग्लेशियर का बड़ा हिस्सा गिर गया था जिससे पाकिस्तान आर्मी का बेस कैंप पूरी तरह से तबाह हो गया था और इसमें करीब 140 पाकिस्तानी सैनिक मारे गए थे। जिसके बाद पाकिस्तान ने यह आरोप भारत पर लगा दिया कि भारत के टेस्टिंग के तौर पर ग्लेशियर को पिघलाने के लिए अपने सीक्रेट हथियार काली का इस्तेमाल किया है। और आए दिन चीन भी बस धमकियों भरे बयान देकर ही संतोष कर लेता है, इसकी वजह भी काली है। अब चलिए आपको बताते हैं कि आखिर भारत के दुश्मनों के काल काली में ऐसा है क्या। दरअसल काली का मतलब है किलो एम्पियर लीनियर इजेक्टर या बेहद बड़ी मात्रा में ऊर्जा पैदा करने वाला एक यंत्र है। यह सेकंड के हजारों हिस्से में एक बहुत बड़ी ऊर्जा का तूफान उत्पन्न कर सकता है जो कि किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को तुरंत बर्बाद कर देता है, चाहे जमीन हो या आसमान। अपने टारगेट पर सेकेंडों से भी कम समय में काली भारी मात्रा में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक तरंगों की बौछार कर सकता है और देखते ही देखते टारगेट एक धुएं में तब्दील हो जाता है। महज कुछ ही सेकंडों में काली दुश्मन के सैटेलाइट्स तक को मार गिरा सकता है, चाहे दुश्मन का हवाई जहाज हो या फिर मिसाइल। काली सेकंडों में सबको नस्तानाबूद कर सकता है। काली के निर्माण की योजना साल 1985 में भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर में की गई थी। काली पर पिछले 30 सालों से काम किया जा रहा है और तब से इसके कई वर्जन तैयार किए जा चुके हैं। पहले काली 80, फिर काली 100, इसके बाद काली 200 और फिर काली 5000 और अब काली 10000 विकसित किया जा चुका है। और भारत का ये ब्रह्मास्त्र भारत की सीमाओं की रक्षा के लिए तैनात है, लेकिन किसी को ये नहीं पता कि ये कहां और कैसे तैनात किया गया है। आपको भारत का ये स्वदेशी ब्रह्मास्त्र कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके हमें जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा। हम फिर हाजिर होंगे अपनी ऐसी ही एक धमाकेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।